बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है इंदौर से, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। आपको बता दें, तीन लोग एक पक्ष के गंभीर घायल हुए हैं। धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष ने वार किया है। इलाज के लिए MY अस्पताल में जिन्हें भर्ती किया गया है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का पूरा ही मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसमें से एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष ने वार किया। बात की जाए गंभीर रूप से घायलों की, तो इलाज के लिए घायलों को MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े संवाददाता भारत पाटिल। भारत, आपसे जानना चाहेंगे, बात करें इंदौर की, जहां पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है, ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें दोनों पक्ष में किसी युति को लेकर के बात पर विवाद हुआ था, जिसके बाद खूनी संघर्ष हो गया और एक पक्ष के दूसरे पक्ष में धारदार हथियारों से हमला कर गया, जिसमें पवन, राज और हरीश तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं उन्हें उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे ही मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों ही पक्षों के खिलाफ, दोनों ही पक्षों के में काफी लोग घायल हैं, जिनके खिलाफ। भारत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ऐसी कौन सी बात थी या कौन सा ऐसा विवाद था जिसको लेकर ये बड़ी घटना सामने आई? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, लेकिन परिजनों से बात करने में पता चला था कि युवती के साथ छेड़छाड़ होती थी, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत भी की गई थी। ये दोनों पक्ष आपस में लड़ पड़े और काफी गंभीर घायल हो गए। फिलहाल उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। भारत, अगर बात की जाए गंभीर रूप से घायलों की, अस्पताल में भर्ती किया गया है, क्या कुछ उनकी स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? क्या उनकी हालत खतरे से बाहर है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, दो लोगों को जो है एक निजी अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं हरीश को जो है MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें निजी अस्पताल में एक युवक की हालत जो है उसे ICU में, अभी हालत गंभीर है। फिलहाल दो युवकों की हालत में काफी सुधार है, फिर भी जो डॉक्टर है वो प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। एक की हालत जो सागर बताया जा रहा है, उसकी हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। भारत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। इस दौरान एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धारदार हथियारों से दूसरे पक्ष ने इन पर वार किया। इलाज के लिए गंभीर रूप से घायलों को MY अस्पताल में भर्ती किया गया है।